आज यदि इस संगति में कोई भाई या बहन पहली बार आया है तो प्रभु यीशु के नाम में मैं उस भाई या बहन का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये प्रभु की दया है कि जब संसार के लोग अपनी मनमर्जी समय बिताते हैं, खासकर संडे इवनिंग का समय मौज मस्ती करते हुए अपने सृष्टा को भूलकर मनमाना समय बिताते हैं, तब प्रभु ने इतने सारे लोगों की मदद की कि वे समय अलग करके यहाँ पर इस सत्संग में प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति और प्रभु की वाणी सुनने के लिए एकत्रित हो सके। आज हम फिर से प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन करेंगे। पिछले कई महीनों से हम संसार के सृष्टा, संसार के तारणहार, पालनहार और सृजनहार प्रभु यीशु का या प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, प्रभु सनातन हैं, प्रभु अनादि हैं, अनंत हैं, लेकिन प्रभु ने मनुष्य को उद्धार देने के लिए मनुष्य रूप धारण करके मानवों के बीच में मानव शरीर या मानव चोले में 33.5 साल विहार किया, जीवन बिताया। इन 33.5 सालों के आखिरी 3.5 साल के बारे में सबसे ज़्यादा विस्तार से वर्णन प्रभु के वचन में मिलता है। प्रभु के 4 अनुयायियों ने प्रभु की 4 जीवनियाँ लिखी थी, जो कि बाइबल के उत्तरार्ध में मिलता है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, जिसमें मत्ती नामक पुस्तक के एक एक अध्याय को खोलकर हम प्रभु के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। आज इस अध्ययन के लिए मत्ती नामक पुस्तक, जो पहली बार यदि कोई यहाँ नाम सुन रहा हो तो आप शायद पूछेंगे कि ये मत्ती क्या बला है। आज से 2000 साल पहले इसराइल नाम के प्रदेश में इसी तरह के नाम चलते थे। हमारा नाम सुनते हैं तो उनको विचित्र लगता है, उनका नाम सुनते हैं तो अपने को विचित्र लगता है, ऐसा ही है। उसके 8वें अध्याय को खोल लीजिए, 8वें अध्याय को 23वें पद से हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले की घटना मैं याद दिला देता हूँ। पिछले हफ्ते हमने देखा था प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ आगे जाना चाहते थे, तो पहले तो एक शास्त्री प्रभु यीशु के जीवन काल में ये बड़े पंडित हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे। उनमें से एक ज्ञानी आकर प्रभु से बोला कि प्रभु, आप जहाँ भी जाएंगे मैं वहाँ आपके साथ चलूँगा। दरअसल उस ज्ञानी ने जब प्रभु यीशु की बातें सुनी, प्रभु का गुणगान देखा, प्रभु की जो आत्मिक शक्ति है उसको देखा, तो उसको लगा कि प्रभु जरूर बहुत बड़े महलों में रहते होंगे और यदि हम प्रभु के शिष्य बन जाएं तो हम भी बड़े ऐशो आराम से रहेंगे। प्रभु ने कहा कि शास्त्री महाराज, आप क्या सोचते हैं, जानवरों के रहने की मांद होती है, गुफाएं होती है, चिड़ियों के रहने के लिए घोंसले होते हैं, लेकिन जब इस संसार का सृष्टा मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया तो घर छोड़ो, गुफा छोड़ो, घोंसला छोड़ो, अरे मुझे सर रखने के लिए भी जगह नहीं है, तुम मेरे साथ क्या आओगे। उस आदमी के बारे में आगे कुछ नहीं देखते हैं, जिसका मतलब यह है कि जैसे बहुत सारे अन्य लोगों के साथ हुआ था, वो शास्त्री भी वहाँ से तुरंत गायब हो गया होगा। उसके बाद एक ने आके प्रभु से कहा, प्रभु मैं जाके अपने पिता को दफना दूँ पहले। अरे पिताजी मरे नहीं और आपको दफनाने की फिक्र हो रही है, मतलब आप मेरे साथ आना नहीं चाहते, नाटक कर रहे हो कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका अनुयायी हूँ और मैं आपके पीछे चलूँगा, लेकिन नाटक कर रहे, पहले पिताजी मर जाएं उसके बाद दफनाने की बात आएगी, तुम अभी से दफनाने की सोच रहे, ऐसा तो कोई सोचता भी नहीं है। बहाना भी बनाया, तो ऐसा बढ़िया बहाना बनाया
कि लोगों को सुन के एकदम से मन में सांत्वना देने की इच्छा हो, लेकिन सोचो तो पता चले कि ये तो बहुत बड़े बड़े लेवल का बहाना है। उसको भी प्रभु ने कहा कि देख, यदि तू वाकई में मेरे पीछे चलना चाहता है तो तू वाकई में मेरे पीछे आ जा। जिन लोगों ने सच्चाई को नहीं जाना है, ऐसे 50 लोग तुम्हारे परिवार में है, कोई यदि मर जाएगा तो भी वो लोग उसको दफना देंगे। इतनी बातें कहने के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि अब अपन चलते हैं। ये घटना चालू हुई थी 18वें पद में। 18वें पद में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। क्यों, ऐसी क्या बात है जब इतनी सारी भीड़ प्रभु यीशु के दर्शनों के लिए टूट पड़ी तो प्रभु उस भीड़ को छोड़कर झील के पार क्यों जाना चाहते थे? एक बात साफ है, जितनी भीड़ वहाँ एकत्रित हुई थी ये सारी की सारी भीड़ तो उस पार जा नहीं सकती थी, इतने नाव तो होते नहीं हैं, तो प्रभु क्यों नाव के पार जाना चाहते थे? इसके पीछे दो तीन कारण हैं। पुराने जमाने में लाउडस्पीकर नहीं हुआ करते थे। उस समय जब कोई भीड़ एकत्रित होती थी तो जनरली इस भीड़ से बात करने के लिए, इस भीड़ को संदेश देने के लिए मेनली दो तरीके हुआ करते थे। पहला तरीका ये कि जो भाषण दे रहा है वो एक पहाड़िया पे चढ़ के खड़ा हो जाए, और जब वो पहाड़िया के ऊपर खड़ा हो जाए तो भीड़ उस पहाड़िया पे ऊपर से लेकर नीचे तक यों फैल जाए। उसके बाद वो व्यक्ति जोर से उनको टीचिंग दे। उस जमाने में जब इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, ज़्यादा शोर नहीं हुआ करता था, उस समय पहाड़िया पे खड़े होके बोलो तो 4-5 हज़ार लोग तो बड़े आराम से एक व्यक्ति की आवाज़ को सुन सकते थे। अभी भी यदि आप शहर से बहुत दूर गांव में चले जाएं तो आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि आवाज़ बड़े दूर तक जाती है। बल्कि जब हम लोग बस के लिए खड़े होते थे गांव में, खासकर जब मैं अपने मामा जी के घर जाता था जो कि बिल्कुल जंगल में था, तो बस की आवाज़ जो घर से हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, आवाज़ सुन के वो बोलते थे कि अब फलानी जगह आ गई है, अब फलानी जगह आ गई है, फलानी जगह आ गई है। तो या तो पहाड़िया पे खड़े होके बोलते थे या शांत झील पर नाव पे चढ़ के बोलो तो आपकी आवाज़ पानी से रिफ्लेक्ट होकर सारी जनता तक पहुंचती है। इसलिए प्रभु भीड़ को देखकर झील के पार जाने की सोच रहे थे। वहाँ प्रभु ने उनको क्या लेक्चर दिया उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए, यहाँ इस शुभ संदेश में नहीं है। लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु लोगों की ओर से भाग नहीं रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली प्रभु झील के ऊपर, झील में कहीं नाव को टिकाकर लोगों को संदेश देना चाहते थे। उसके साथ साथ उस जमाने में एक काम और होता था जो कि लगभग 1960-70 तक केरल के गांव में होता था। एक आदमी बोलता था और दूसरा आदमी जिसकी आवाज़ बहुत जोर की होती थी वो उसको दोबारा बोलता था, सब लोगों तक आवाज़ पहुंच जाती थी। इस बात की संभावना है कि प्रभु ने उसका भी उपयोग किया और इस तरह से एक साथ 10-10 हज़ार लोगों को प्रभु ने अपना संदेश सुनाया। तो प्रभु अब शिष्यों के साथ झील के पार जा रहे हैं। जाते जाते हो सकता है खड़े होकर उन्होंने भीड़ को लेक्चर दिया हो, लेकिन इस इतिहास को लिखने वाले व्यक्ति के मन में एक और बात थी जिसको पवित्र आत्मा की मदद से वो हमको बताना चाहते थे, और वो बात हम 24वें पद में देखते हैं। वहाँ लिखा है जब वो नाव पर चढ़े तो उनके चेले उनके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। वहाँ की जो झील है जिसकी यहाँ बात हो रही है, या जो झीलें हैं
उनमें सामान्यतया इस तरह के की आंधी नहीं उठती थी, लेकिन आज प्रभु की इच्छा थी कि वे अपने शिष्यों को अगला पाठ पढ़ाएं। शिष्यों को क्यों पढ़ाएं, इसके पीछे भी एक रहस्य है। जब हम प्रभु यीशु की चार जीवनियों को क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं, तो वहाँ प्रभु दो प्रकार की शिक्षा देते हैं। एक जो सब लोगों के लिए है, एक जो सिर्फ शिष्यों के लिए है। एक से अधिक बार हम इन चार पुस्तकों में देखते हैं, शिष्य आके पूछते हैं, प्रभु थोड़ी देर पहले आपने जो बात कही, बात कुछ समझ में नहीं आई। तो प्रभु उसका जवाब देते हैं, देखो ये बात मैं बहुत मर्म की बता रहा हूँ तुमको, जो दृष्टांतों में उनको बताया गया है, जिससे कि वो लोग ना समझें, लेकिन तुम लोगों को समझाना है, इसलिए अब मैं तुमको समझाता हूँ। तो इस तरह से प्रभु ने दो प्रकार की शिक्षाएं दी थी, एक जो जन साधारण के लिए है। इसी पुस्तक के शुरू के अध्यायों में पहाड़ी उपदेश या पर्वतीय उपदेश नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध दो तीन अध्याय हैं, जो लगभग हर मसीही को, यदि उसने याद ना किया हो तो भी याद है, धन्य है वे जो मन के धीन हैं, धन्य है जो शोक करते हैं। वो सारी जनता को वो शिक्षाएं दी गई थी, लेकिन कभी कभी शिष्यों को अलग से भी प्रभु शिक्षा देते थे। आज मत्ती रचित सुसमाचार में या मत्ती द्वारा लिखे गए प्रभु यीशु के जीवन चरित्र में एक ऐसी अद्भुत शिक्षा के बारे में हम देखते हैं, जो प्रभु सिर्फ अपने शिष्यों को देना चाहते हैं। और इस कारण जैसे ही वो नाव में चढ़े, यहाँ झील लिखा हुआ है, झील का मतलब ये नहीं कि दो मिनट में पार पहुँच गए, वो झील इतनी चौड़ी थी कि यहाँ से उस पार जाने में काफ़ी लंबा समय लगता, घंटों लगते, कई किलोमीटर चौड़ी झील थी। और ये कोई छोटी मोटी नाव नहीं थी, सामान्यतः अपन जो नाव देखते हैं जिसमें दो तीन चार आठ या दस बैठ सकते हैं, ऐसी नावें नहीं, वहाँ पर बड़ी बड़ी नावें हुआ करती थी जिसमें एक साथ 10, 20, 50 लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ प्रभु के साथ इस नाव में जो लोग गए थे, ये इनमें से कई लोग मछुआरे थे, तो ये नाव ऐसी बड़ी नाव थी जिसमें मछुआरे उस झील से मछली पकड़कर कई टनों मछलियां उस नाव में डाल देते थे। इतनी बड़ी नाव थी, कहा जाए तो एक छोटा सा जहाज था। लूका नाम के पुस्तक में डिटेल हम देखते हैं कि चेले तो ऊपर ही ऊपर थे, प्रभु नाव में नीचे की लेवल पर। इसलिए मैंने कहा कि यह बड़ी नाव थी या छोटा सा जहाज था, जिसमें कम से कम दो लेवल थे। प्रभु आराम से नीचे की लेवल पर जाके लेट कर सो गए। इस बीच ऊपर एक घटना घटी कि झील में ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। बड़ी भयानक स्थिति होती है। झील का मतलब ये नहीं कि वहाँ 8-10 फुट गहराई है, यहाँ जिस झील की बात हो रही है उसकी गहराई हजारों फुट है। उसमें कोई आदमी गिर जाए तो बच नहीं सकता, तैरना जानता है तो इधर उधर तैर के, लेकिन कितने इस आंधी में कितने किलोमीटर वो तैरेगा। जब इस घटना को हम आगे पढ़ते हैं तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये आंधी ना तो अचानक आई ना अपने आप आई, इसके पीछे प्रभु की एक इच्छा थी। नाव लहरों से ढकने लगी, प्रभु सो रहे थे। चेलों ने पास जाकर प्रभु को जगाया और बोले, हे प्रभु हमें बचाइए, हम नष्ट हुए जाते हैं।
वो लोग जिस तरह से गए और जिस तरह से उन्होंने प्रभु को जगाया, इसको जरा लूका रचित सुसमाचार या लूका नाम की पुस्तक के 8वें अध्याय में आप समय मिले तब पढ़ लीजिए। एक्चुअली इस घटना को तीन लेखकों ने लिखा है। मरकुस के 4थे अध्याय में, मैं रेफरेंस भी आपको दे देता हूँ जिससे कि आप फुर्सत के समय उसको देख सकें। मरकुस 4थे अध्याय के 35 से लेकर 41 में हम इस घटना को देखते हैं। उसी तरह से लूका 8वें अध्याय के 22 से लेकर 25 में हम इस घटना को देखते हैं। इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तब पूरी घटना आपके सामने स्पष्ट होगी। जब हम इन तीनों अलग अलग लेखकों ने उस घटना को तीन अलग अलग कोणों से लिखा है उसको पढ़ के देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जब आंधी और तूफान और जब पानी उस जहाज को ढांपने लगा पूरी तरह से, तो शिष्य बुरी तरह से डर गए। वे दौड़ कर प्रभु के पास गए। उन्होंने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है क्या? जरा सोच कर देखें, जिस व्यक्ति ने इस पूरे विश्व की सृष्टा की है, सृष्टि की है, वह सृष्टा उस जहाज के निचले तल पर सो रहे हैं, उस सोते हुए सृष्टा की यदि मदद चाहिए तो वहां जाकर सृष्टा से बात करने का एक कायदा होता है। मान के चलिए कि एक बहुत अति शक्तिशाली और अति दयालु बादशाह है जिसके राज्य में कुछ लोग भूख से मर रहे हैं। याद रखें, अति शक्तिशाली, अति दयालु। यदि उसके राज्य में कुछ लोग भूख से मर रहे हैं और ये बात महामंत्री को बताई जाती है, तो महामंत्री उस बादशाह के पास जाकर उस बादशाह से ये कहेंगे क्या कि महाराज, आपको कोई फिक्र नहीं है क्या? आपके राज्य में 500 लोग मर रहे हैं, उनका क्या होगा? इस तरह से बोलेंगे क्या? जी नहीं। वे लोग जाकर उस बादशाह को बताएंगे कि जहां पना अपने राज्य में फलानी जगह पर थोड़े से लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किया जाए, और जहां पना जो भी आज्ञा देंगे उसके अनुसार महामंत्री अपने नीचे जो लोग हैं उनको आज्ञा देंगे और वो लोग जाकर करेंगे। इससे ज्यादा वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाकर धीरे सीधे सीधे बादशाह को दोष देने की जरूरत नहीं है, बादशाह से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई फिक्र नहीं है क्या, आपके राज्य में 500 मर रहे हैं। अरे, जिसके राज्य में लाखों लोग हैं उसमें यदि कुछ 50 लोग भूख से त्रस्त हैं तो सीधे सीधे जाके बताने की जरूरत है। इसी तरह से जब इस संसार के सृष्टा जहाज के निचले हिस्से में सो रहे हैं, मान के चलिए कि जहाज डूब जाता है, मान के चलिए कि उसके अंदर जितने शिष्य हैं वो सब पानी में डूब जाते हैं, उनको फिक्र करने की जरूरत है क्या? जी नहीं। आपको याद है क्या, पुराने जमाने एक बार वहां जो भविष्यवक्ता लोग थे उसमें से एक भविष्यवक्ता के शिष्य की कुलाड़ी, कुलाड़ी लोहे की बनी होती है, कुलाड़ी उतरकर पानी में गिर पड़ी। उन्होंने जाके भविष्यवक्ता से कहा कि हे प्रभु के दास, मांगी हुई कुलाड़ी थी, अब वो लोहे की जो कुलाड़ी है वो पानी में गिर गई है और डूब गई है। इमिडिएटली भविष्यवक्ता ने उसके लिए उसका हल किया कि अरे, फलाने पेड़ से काट कर उस पानी में डाल दो। उन्होंने काट कर डाल दिया तो कुलाड़ी तैरते हुए पानी के ऊपर आ गई। प्रभु यीशु के ये जो शिष्य हैं ये कोई आम लोग नहीं थे, ये लोग प्रभु के वचन को जानते थे कि संसार के सृष्टा पर आश्रय रखने वाले एक भविष्यवक्ता ने जब उनको बताया गया कि लोहे की कुलाड़ी पानी में गिर गई है, तो उस लोहे की कुलाड़ी को तैरने का इंतजाम उन्होंने कर दिया था।
तो इस कारण आज हमारे साथ कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो जहाज की नीचे की तली पर सो रहे हैं। जो सो रहे हैं वो तो संसार के सृष्टा स्वयं हैं, और इसलिए इतने अधिक उत्कंठा की क्या जरूरत है, इतने अधिक परेशान होने की क्या जरूरत है, इतने अधिक डरने की क्या जरूरत है। मान के चलो कि मिट्टी का ये पुतला है, मृत्यु से उसको डर लगता है तो भी ठीक है, लेकिन जाके प्रभु से कैसे बात करनी चाहिए। हे प्रभु, आपको कोई फिक्र नहीं है कि हम तो मरने जा रहे हैं या अभी मर जाएंगे। ये घटना हम में से हर व्यक्ति को ये बात याद दिलाती है कि चाहे जीवन भर हम संसार के सृष्टा प्रभु के बारे में सीखें, प्रभु के बारे में याद करें, प्रभु के बारे में बात करें, प्रभु के बारे में प्रवचन सुने, प्रभु के बारे में गाएं, इसके बावजूद ये नश्वर मनुष्य कई बार प्रभु के ऊपर अविश्वास करता है। प्रभु ने उन लोगों को क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। ये प्रश्न आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे और आपके जीवन में प्रभु की ताकत, प्रभु की शक्ति की जरूरत है। जीवन की शायद किसी विकट समस्या से आप गुजर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके सामने नौकरी की परेशानी हो, परिवार की परेशानी हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, संपत्ति से संबंधित परेशानी हो। ये हो सकता है कि जिंदगी भर प्रभु यीशु के बारे में सुना, लेकिन जब हमारी परेशानी हमारे सामने मुंह खोले खड़ी है तब प्रभु पर विश्वास करने के बदले हम प्रभु के जो शिष्य थे उनके समान, अल्प विश्वासियों के समान प्रभु के सामने हम बात करें, प्रभु से हम याचना करें। याचना करना जरूरी है, लेकिन याचना करने का भी एक तरीका होता है। ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये शिष्य प्रभु के साथ रहे, प्रभु के साथ चले, प्रभु ने जो अद्भुत कार्य किए थे वे सब इन लोगों ने देखा। इसके बावजूद आज जब आंधी और तूफान उनके जहाज को डुबाने लगा, तब जाकर प्रभु से पूछते हैं, हे प्रभु, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है क्या? अरे प्रभु को फिक्र नहीं होती तो इस संसार का सृष्टा मनुष्य के चोले में जन्म लेकर मनुष्य के समान सीमित जीवन क्यों बिताता? हम में से हर व्यक्ति को फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ। हो सकता है जिंदगी भर प्रभु के बारे में सुना हो सकता है जिंदगी भर प्रभु के बारे में हम गाते रहे हों, लेकिन जीवन में जब हम मौत को आमने सामने देखते हैं तब हमारा विश्वास स्थिर रहेगा क्या, अटल रहेगा क्या, या अस्थिर हो जाएगा या टल जाएगा, और हम अपने विश्वास में टूट जाएंगे क्या? आज जो भाई और बहन प्रभु यीशु की वाणी सुन रहे हैं उनमें से हर व्यक्ति से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में किस समस्या से होकर गुजर रहे हैं वो मैं नहीं जानता, और मेरे जानने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं उस समस्या का हल आपको नहीं दे सकता। लेकिन जिस व्यक्ति को आपकी समस्या मालूम होनी चाहिए उस व्यक्ति को वो समस्या मालूम है, और चूंकि उस व्यक्ति को वो समस्या मालूम है, चूंकि सृष्टा को आपकी समस्या मालूम है, और चूंकि सृष्टा आपसे प्रेम करते हैं, और चूंकि इस संसार के सृष्टा आपको ना केवल एक नया जीवन देना चाहते हैं बल्कि इस जीवन में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ देना चाहते हैं, इसलिए वो समस्या हमारी जिम्मेदारी है कि वो समस्या लेकर सृष्टा के हाथ में सौंप दे, जिससे कि वे अपने हिसाब से अपने समय पर उसका हल कर सकें।
शिष्य इस बात को भूल गए, इसलिए प्रभु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, जो प्रभु जागकर उनकी समस्या का हल कर सकते थे, वे प्रभु सर्वशक्तिमान सृजनहार होने के कारण बिना जागे भी उनकी समस्या का हल कर सकते थे। जाके इस तरह से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं थी। यह है प्रभु के कहने का मतलब, है अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। तब उन्होंने उठकर आंधी और पानी को डांटा। प्रभु ने आंधी और तूफान से कहा, शांत हो जाओ। और इमीडिएटली वो आंधी, जो मनुष्य सोच नहीं सकता था, जिसके बारे में उनके मन में भयानक उत्कंठा उत्पन्न हो गई थी, उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है, सब शांत हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा ताज्जुब की बात है, एक्चुअली यदि संसार के सृष्टा यदि इस प्रकृति को आदेश देते हैं और प्रकृति उनका आदेश मान लेती है, तो उसमें ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है। लेकिन आगे देखिए, उससे भी बड़े ताज्जुब की बात है। 27वें पद में वे लोग आश्चर्य करने लगे, करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। एक बात बताइए, ये लोग काफ़ी समय से प्रभु के साथ चल रहे थे। इस पुस्तक की रचना जिसने की, वो मत्ती, करोड़ों के इनकम छोड़ के, लूट को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया था। प्रभु के बाकी जो शिष्य थे, वे लोग भी अपनी रोजी रोटी छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए थे। लेकिन ये शिष्य जो प्रभु की वाणी सुनकर अपनी रोजी रोटी छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए थे, और जब से वे प्रभु के पीछे हो लिए थे, तब से हर दिन प्रभु की वाणी सुन रहे थे, प्रभु के कर्मों को देख रहे थे, प्रभु जो भी प्रवचन दे रहे थे उसको सुन रहे थे, प्रभु जो भविष्यवाणी कर रहे थे उसको सुन रहे थे। इसके बावजूद उनका स्टेटमेंट, उनका कथन जरा देखिए कि एक ऐसा मनुष्य है, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु मनुष्य के चोले में आए थे, मिट्टी का यह पुतला है, प्रभु भी मिट्टी के इस पुतले को मुक्ति देने के लिए संसार के सृष्टिकर्ता अनादि अनंत असीमित प्रभु ने मनुष्य रूप धारण किया। वे भी मिट्टी के इस पुतले में मेरे और आपके समान जन्मे, लेकिन प्रभु ने जब बुलाया तब ये शिष्य सब छोड़कर प्रभु के पीछे इसलिए हो गए कि वे इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि प्रभु एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। इसके बावजूद जब प्रभु ने आंधी को डांट कर शांत किया, तो पूछते हैं कैसा मनुष्य है। इतने समय के बाद भी उनको ये बात स्पष्ट रूप से समझ में नहीं है कि ये सिर्फ एक मनुष्य नहीं है। आत्मिक जीवन में ये एक बहुत विचित्र बात है। यदि ये मनुष्य है तो जाके उन्होंने प्रभु को जगाया क्यों? जरा इस बात को सोचिए कि कैसा विरोधाभास है। यदि प्रभु मनुष्य है या सिर्फ मनुष्य है, तो प्रभु सो रहे हैं वे जाग रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों जाके उन्होंने जगाया? और यदि उनके मन में विश्वास है कि जो प्रभु सो रहे हैं वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो जब प्रभु ने जो अद्भुत कार्य किया उसके बाद फिर वो लोग क्यों पूछ रहे हैं कि एक ऐसा मनुष्य है? आंधी और तूफान उनकी बात मानते। अरे आंधी और तूफान यदि उनकी बात मानते नहीं है, तो पहली बात ये सोचो कि जाके जगाया क्यों? यदि नाव में, यदि मान के चलिए कि 12 लोग थे, मान के चलिए कि उनके सारे शिष्य थे, मैंने गिन के नहीं देखा कि उस समय तक कितने शिष्य हो गए थे, मान लीजिए सभी शिष्य थे, तो 12 हो गए, 13वां आदमी आ जाता तो वो क्या कर लेता? 12 लोग जिस आंधी या तूफान को रोक नहीं सकते, उसको 13वां आदमी रोक सकेगा क्या?
तो फिर काहे को उन्होंने जगाया? मन की गहराइयों में वो लोग जानते थे कि वे प्रभु है, लेकिन जब जगाने के बाद प्रभु से उन्होंने जो उम्मीद की थी, प्रभु ने वो कार्य किया, तो पूछते हैं कि एक ऐसा आदमी है कि आंधी और तूफान इनकी आज्ञा मानते हैं। ये मेरे और आपके जीवन को दिखाता है। मेरे और आपके जीवन की एक विचित्र बात है कि एक तरफ से हम प्रभु को जानते हैं और दूसरी तरफ से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम उनको जानते ही ना हो। ये आज के दिन हम में से हर एक को बहुत गहराई से सोचने की बात है। हम में से हर व्यक्ति जीवन में पिछले एक साल, पांच साल, दस या बीस साल या उससे अधिक प्रभु पर आसरा रखकर, प्रभु की भलाई को देखकर, प्रभु के द्वारे दी गई चीजों का अनुभव करके जी रहा है या जी रही है। इसके बावजूद जब एक परेशानी आती है तो दौड़ के प्रभु के पास जाते हैं और फिर हमको ताज्जुब होता है कि प्रभु कौन है, क्या है, उनसे क्या किया जाएगा। आज मैं आपके सामने इस बात को बहुत ही जोर देकर बताना चाहता हूँ कि कई बार प्रभु मेरे और आपके जीवन में कार्य करने से रुक जाते हैं, जिससे कि वे हमको जांच सकें कि हमारा विश्वास खरा है क्या, पूर्ण है क्या। आपको याद है प्रभु एक जवान से बहुत स्नेह करते थे जिसका नाम था लाजर। उसकी दो बहनें थी, प्रभु इनसे भी बहुत स्नेह करते थे, लेकिन जब लाजर बीमार हुआ और जब प्रभु ने प्रभु को बुलावा आया तो प्रभु जानबूझकर देर से आए। और जब प्रभु वहां पहुंचे तो एक बहन ने कहा कि प्रभु अब तो पुनरुत्थान, मतलब जिस समय जब प्रभु का द्वितीय आगमन होगा तब वो जिंदा हो जाएगा। एक बहन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बहन ने जो बोला उससे एक बात स्पष्ट है। जब वो बीमार था उस समय उनको इतना विश्वास था कि प्रभु आ जाए तो बीमार को चंगा कर देंगे, लेकिन जब प्रभु आ गए तो उनको इस बात का विश्वास नहीं था। कम से कम एक बहन को इस बात का विश्वास नहीं था कि प्रभु उसको पुनर्जीवित कर सकेंगे। कई बार हम अविश्वासी नहीं, प्रभु ने यहाँ अविश्वासी नहीं, यहाँ एक विशेष शब्द का अल्प विश्वासी। कई बार हमारा विश्वास अल्प होता है, मतलब इतना प्रभु कर सकते हैं उसके बाद प्रभु के भी ताकत की बात नहीं है। कैसी कैसी विचित्र बात है, कैसी गलत बात है जो प्रभु के बारे में हम लोग कई बार सोचते हैं। जो व्यक्ति अपनी आज्ञा से बीमारी को चंगा कर सकता है, कौन कर सकता है? सिर्फ जिसने इस संसार की सृष्टि की है। और जिसने इस संसार की सृष्टि की है वो यदि एक आज्ञा के द्वारा बीमारी को दूर कर सकता है तो एक आज्ञा के द्वारा जो मर चुका है उसको पुनर्जीवित कर सकता है। उस बहन को ये विश्वास नहीं हुआ। जब आंधी और तूफान से वो लोग मरने वाले थे, मतलब नाव डूबने वाली थी, तब उनको लगा कि प्रभु की मदद मांगते और प्रभु ने मदद की, तो पूछते कि अरे बाप रे, ये कैसा व्यक्ति है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान मानते। ये बड़ा विरोधाभास मेरे और आपके जीवन में है। आधा विश्वास करते हैं, अधूरा विश्वास करते हैं, प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने नहीं देते हैं, या प्रभु जो कार्य करना चाहते हैं उसको पूर्ण रूप से करने नहीं देते हैं। आज शाम को एक प्रश्न यही है, जनरली मैं दो या तीन प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन आज शाम को सिर्फ एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने विश्वास किया, आपने उद्धार पाया, आपने प्रभु के अनुग्रह अपने जीवन में देखे, आज आप शायद अपने जीवन में एक छोटी या एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका विश्वास अल्प विश्वास है? ऐसा ना करें। संसार के सृष्टा को अच्छी तरह से समझकर, संसार के सृष्टा पर पूर्ण विश्वास करके अपनी समस्या पूर्ण रूप से सृष्टा के हाथों सौंप दें। नहीं तो कई बार सृष्टा थोड़ी देर करते हैं, जिस तरह से लाजर की घटना में उनको विश्वास नहीं था, उनका विश्वास अल्प था, इसलिए प्रभु जानबूझकर देर कर गए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आपके जीवन में जिस चीज के लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं उसका जवाब प्रभु इसलिए नहीं दे रहे कि हमारे अल्प विश्वास को प्रभु जांचकर पूर्ण विश्वास में बदलना चाहते हैं। यहाँ पर प्रभु ने उनका अद्भुत कार्य दिखाया, इसके बावजूद प्रभु को उन्होंने ठीक तरीके से नहीं पहचाना। दूसरा एक प्रश्न जो मैं अक्सर पूछा करता हूँ, आज मैंने उस बात को विस्तार से नहीं बताया, लेकिन आपने कई बार प्रभु की वाणी यहाँ पर सुनी है कि प्रभु यीशु इस संसार में एक नया धर्म, एक नया पंथ शुरू करने के लिए नहीं आए। प्रभु इस संसार में पधारे हम सबको एक नया जीवन देने के लिए। और जैसे आज गाने में हमने सुना था, मिट्टी का ये पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, देर मत करो, कल शायद बहुत अधिक देर हो जाए। पिछले हफ्ते भी हमने ये बात, मुझे और वाइफ को एकदम से ये बात याद आई, हमारे पड़ोस में हट्टा कट्टा मुझसे छोटा एक जवान जो संपूर्ण परोपकारी था, शाम को बैठे थे, अचानक खबर आई कि सुबह हार्ट अटैक हुआ, डेड बॉडी अब घर पहुंच गई है। पिछले सोमवार की रात की बात है, बाइबल क्लास के बाद हम दोनों गए, मिट्टी का ये पुतला है हमारे सामने पड़ा हुआ था, कल तक जो उत्साही जवान था, कल मेरी और आपकी ये स्थिति हो सकती है। इसलिए यदि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, देर ना करें। एक और गाना है जिसने मुझे बहुत चैलेंज किया है, मेरी मानो ना मानो इंसान बाद में पछताएगा, मिट्टी का ये पुतला है मिट्टी में मिल जाएगा। बचपन से मैं सुनता आया हूँ एक गाना, फिर से मैं याद दिला दूँ, मिट्टी का ये पुतला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु पर विश्वास करके यदि आप प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि मुक्ति आपकी है। अपनी मृत्यु के बाद सदा सर्वदा आप प्रभु यीशु की उपस्थिति में रहेंगे। ये बात यदि आपको समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, आपको विस्तार से समझाने के लिए मैं यहाँ हूँ। मीटिंग के बाद आकर, इस सभा के बाद आकर मुझसे मिलिए, मैं आपको विस्तार से बातें बताऊँगा।